अयोध्या पुलिस ने करीब 9 दिन पूर्व हुई युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने युवती के प्रेमी समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी अनस की मृतका से 2-3 वर्ष से दोस्ती थी, लेकिन इसी बीच मृतका की शादी कहीं और तय हो गई। मृतका की शादी कहीं और ना हो सके, इसी को लेकर प्रेमी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कोतवाली क्षेत्र के ही कायस थाना मोहल्ले में ले जाकर फेंक दिया। 14 सितम्बर को एक युवती जिसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करके शव को कायस्थाना मोहल्ले में एक गली में छोड़ दिया गया था शाम में। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था। जो वहाँ डॉक्टर के यहाँ काम करता था, उसने इंजेक्शन लगाया बेहोशी का। उसके बाद जब जो युवती है उसको नींद आने लगी, तब इन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या लगभग 2-3 के बीच में इन्होंने कर दी थी, परंतु बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग शाम तक इंतज़ार किए। रोस्टर के अनुरूप जब वहाँ बिजली गई, इस बीच अनस और मुकेश ने मोटरसाइकिल में बीच में मृतका के शरीर को रख के ले जाके जो स्थान बताया गया वहाँ पर गली में छोड़ के वहाँ से भाग गए। टीम ने इस घटना का अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और जो गायब मोबाइल फोन था उसको भी बरामद किया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी ने बताया कि रुधौली कोतवाली पुलिस ने हत्या में शामिल युवती के प्रेमी अनस के साथ उसके दो साथियों हाफिज और मुकेश को रोजा गांव पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।